वहीं बुरहानपुर के ग्राम घाघरला में लगातार अतिक्रमणकारी वनों की कटाई कर रही है। इसी को लेकर ग्रामीण बार बार विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद वन अतिक्रमणकारियों ने वन कर्मियों और पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों पर तीर गोफन से हमला कर दिया, जिसमें कुल 6 लोग घायल हुए हैं। वहीं 2 तीर लगने से गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं। बता दें कि करीब 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद दोनों कर्मचारियों के तीर निकाले गए, लेकिन हालत गंभीर है। वहीं ग्रामीण वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और ग्रामीणों ने कहा है कि वन विभाग की कमजोरियों के कारण आज अतिक्रमणकारी हावी हुए हैं। अतिक्रमणकारी गांव तक आ चुके हैं और अब तो खेतों में जाने से भी डर लग रहा है। ये शायद सर ये शिवराज से मिले हुए जो अपने जो जंगल बचाव अतिक्रमणकारी थे, पहाड़ी पर थे कि नीचे थे? नीचे थे सर, पूरे जमीन के नीचे थे। कायदा हमला किया इन्होंने, ये तीर और गोपाल चलाए। अच्छा, तो किसको तीर लगे? लगे सर, और पत्थरे भी लगे उनके वरिष्ठ वाले को। दो चार कितने लोग घायल हुए आपके गांव के? हमारे गांव के 6-7 लोग घायल हुए। ये जो घाघरला में अतिक्रमणकारी कार्रवाई हुई है उसमें ये घटना घटी है, जिसमें अतिक्रमणकारियों के द्वारा जो है पत्थर के तीर गोपन के द्वारा जो है वन विभाग और हमला किया है। इसमें भी जो एक सिविलियन है जो और एक वन कर्मी है, उनको दोनों दो लोगों को तीर लगा है और बाकी कुछ लोगों को पत्थर वगैरह लगे हैं, तो उनका अभी ट्रीटमेंट कर रहा है। दो लोगों को जिनको तीर लगे थे तो तीर अभी निकाल दिए।